आज आपके लिए पेश है अपना होम मेड डी ग्लू मजबूती कितनी होगी इसके लिए तो वीडियो देखिए और उसके बाद में विश्वास करिए यानी कि पहले देखिए बाद में विश्वास करिए चिपकाती हूँ चिपकाने के बाद ही तो आपको डेमो दिखा पाऊंगी और जब हम कुछ क्राफ्ट करते हैं कुछ डी करते हैं तो अक्सर हमें बहुत सारी चीज़ों को चिपकाने की जरूरत पड़ती है तो ये आपका फेविकोल की तरह काम करेगा आपका फेविक्विक की तरह काम करेगा बहुत मजबूत जोड़ एक मैंने प्लास्टिक के ढक्कन चिपकाए और यहाँ पर मैंने पत्थर भी चिपका के दिखाया ये चौबीस घंटे बाद का रिजल्ट बहुत मजबूती से जुड़ गया है देखिए मैं फेंक फेंक के दिखा रही हूँ और ये पत्थर है पत्थर भी आपको फेंक के दिखाऊंगी कि ये जो मजबूत जोड़ है ना ये नहीं खुलेगा अब मैं इसको खड़े होकर गिरा के दिखा रही हूँ काफ़ी ऊंचाई से तो यहाँ पर भी अगर दोनों पत्थर अलग नहीं हुए तो जाहिर है कि बहुत मजबूते से चिपकाए अभी 24 घंटे बाद भी ये बहुत अच्छे से नहीं सूखा है पर आपको मैंने डेमो दे दिया 24 घंटे के बाद जब आप काम करेंगे तो इसको कुछ और वक्त देंगे सूखने के लिए जब आप बनाएंगे इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अभी बहुत अच्छे से नहीं सूखा है और जो मैंने बना के रखा था ये भी देखिए चौबीस घंटे बाद ये भी नहीं सूखा है यानी कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं फिलहाल तो मैं चौबीस घंटे बाद का रिजल्ट दे रही हूँ पर इसका जो कंसिस्टेंसी है इसको देखने के बाद लग रहा है कि शायद इसको हफ्ते से दस दिन तक तो स्टोर किया जा सकता होगा देखती हूँ कितने दिन तक टिकेगा और उसके बाद आपको कभी अपडेट दे दूँगी जितने दिन बाद ये सूखेगा नमस्कार जुगाड़ू बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज बहुत बिंदास जुगाड़ के साथ उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं देखिए कुछ महीनों पहले एक मैंने इस थर्मोकोल से किया था क्राफ्ट क्राफ्ट में मैंने बनाए थे अपने ये खूबसूरत से मशरूम्स आप जब मशरूम्स बनाएंगे कुछ काटा पीटी होगी यानी कि थर्मोकोल के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलेंगे और ये वाला वीडियो देखने के बाद मेरी कुछ बहनों ने सजेशन दिया कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए घातक है बात बिल्कुल सही है हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ ऐसा वैल्यूएबल सीखते रहते हैं जो हमें हकीकत में जानने की बहुत ज़रूरत होती है तो आज का वीडियो हमारी इसी बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा समाधान तो आगे से आप जब भी कोई थर्मोकोल से क्राफ्ट करें तो छोटे छोटे सारे टुकड़े संभाल के रखें और कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करें अब यहाँ पर देखिए जो मैंने पीस लिया वो कई महीनों पहले इसी पर्पज़ से मैंने संभाल के रखा था कि इसी से मैं मशरूम्स बनाऊंगी। पर मशरूम्स बनाने के लिए ये पर्याप्त तो मोटा नहीं था इसलिए मैंने इसको नहीं चुना। पर फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है कितने महीनों से तो आज यही मैं इस्तेमाल करूंगी। तो थर्मोकोल की गंदगी पे मत जाइए मैं इसको इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कूड़े में नहीं फेंकना है पाँच छः महीने से मैंने जिस पर्पज से संभाल के रखा था वो पर्पज भले ही ना सॉल्ड हुआ हो पर आज एक बहुत बड़ा सा पर्पज हमारा सॉल्व हो रहा है यहाँ पर लिया मैंने तार पेन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल किसी भी हार्डवेयर की शॉप में आपको मिल जाएगा और लेना कितना है बहुत थोड़ा सा मैंने लिया लगभग दो चम्मच अब दो चम्मच की कीमत आप समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दो रुपए कीमत आई होगी और क्या और दो रुपए की कीमत में कितना ढेर सारा ग्लू बन के तैयार होगा वो आप देखिएगा वो भी सुपर ग्लू बहुत मज़बूत क्या देखिए जब हम इसमें थर्मोकोल रखेंगे तो ये इस तरह से गलना शुरू होगा तारपिन का तेल आपके पास नहीं है तो इसका एक और विकल्प आगे चल के बताऊँगी वीडियो पे जुड़े रहिए क्योंकि सुपर ग्लू से आपको परिचय करवाना है बहुत अच्छे से ये देखिए दो चम्मच इस तारपीन के तेल में मैंने कितने सारे थर्मोकोल के टुकड़े डाले पूरे नहीं भी दिखाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए जितने आपने देखे इससे भी ज़्यादा पीसेज यहाँ पर गलाए जा चुके हैं इस दो चम्मच तारपीन के तेल में इसको जब मैं मिक्स करती हूँ तो अभी भी थोड़ी सी तार पिन के तेल की झलक आ रही थी तो देखिए कुछ और टुकड़े यहाँ पर इसी तेल में समा जाते हैं केमिकल रिएक्शन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ समझाने में ना वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ इसी बात पे कि जब आप कोई काम करें तो आपके मन में कोई शंका न रहे और आप अपने काम को पूरे विश्वास के साथ कर सकें और इन्जॉय भी कर सकें देखिए गाढ़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर कितने सारे टुकड़े इसमें समा गए बहुत अच्छा लग रहा था ये केमिकल रिएक्शन देखते हुए चलिए भाई अपना सुपर ग्लू तो बन के हो गया तैयार अब क्या करेंगे डेमो तो आपको दिखाई दिया चिपका के भी दिखा दिया और उसके बाद इसको उछाल उछाल के भी दिखा दिया यानी कि सुपर ग्लू का जोड़ बिल्कुल पक्का अब ये जो बचा है ना ये डिब्बी आप बंद करके रखिएगा जिससे कि आप अगले दिन भी इसको इस्तेमाल कर सकें हाँ जो मैंने ये दिखाया वो 24 घंटे बाद का दिखाया डिब्बी खोल के कि 24 घंटे बाद तक ये ग्लू मेरा सूखा नहीं था 24 घंटे के बाद का मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये, कि ये कितने दिन तक रह सकेगा 24 घंटे तक तो उसी स्टेज में था जिस स्टेज में मैंने इसको छोड़ा था और उसके बाद देखती हूँ ये शायद हफ्ते भर तो टिक ही जाएगा तो आप क्या करें आपको कुछ काम करना है तो अपना थोड़ा थोड़ा बना लें काम करें डिब्बी को बंद करके जरूर रखें और डिब्बी को बंद करने के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें इससे दो फायदे आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे फेवी कॉल के फेवी क्विक के और साथ ही साथ ये जो थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े हमारे घरों में अक्सर मिलते हैं ना इनका एक बहुत बेहतरीन सदुपयोग जो आप अपने पैसे बचाने के साथ साथ बहुत एक बड़ा काम कर रहे हैं इस थर्मोकोल को पर्यावरण में जाने से बचा रहे हैं और चिपकाने का काम हम सबके घरों में अक्सर होता ही रहता है कभी ना कभी कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती ही रहती है कभी हमें अपने क्राफ्ट के लिए या कभी कुछ घर के छोटे मोटे काम के लिए तो एक बार करके देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए बड़े बड़े टुकड़ों से भले ना बनाएं पर छोटे छोटे थर्मोकोल के टुकड़ों को फेंकने की बजाय इस तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करें तो आज अपनी उन सभी बहनों को शुक्रिया बोलूँगी जिन्होंने मेरा ध्यान इस तरफ खींचा और साथ ही साथ एक और बात ये जो पीछे मैंने दिखाया अपना तारपीन का तेल ये दर असल मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इस पर पे। क्योंकि पेट्रोल से और थर्मोकोल से बहुत सारे लोगों ने पहले भी बनाया और कई बार मैंने कई सालों पहले देखा भी था पर वो बना था पेट्रोल से और कब से मैं सोच रही थी कि पेट्रोल से बना के देखूँगी पर अभी जब दिवाली की सफ़ाई के लिए मैं तारपीन का तेल लाई तो सोचा इस पर ट्राई करती हूँ और अपना काम हो गया अब आपकी बारी वीडियो शेयर करने की लाइक करने की और चैनल की घंटी बजाने की ढेर सारे जुगाड़ आपका इंतजार कर रहे हैं धन्यवाद